नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत टेस्टी और जल्दी से बनने वाला महाराष्ट्रियन डेजर्ट केले का शिकरण बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो केले लिए हैं और उसे बिल्कुल बारीक बारीक चिप्स जैसा काट लिया है। आधा लीटर दूध है, उसे अच्छे से उबाल लिया है और उसमें मलाई भी बन गई है। मैं मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मलाई पसंद है। आप अगर न चाहें मलाई तो आप मलाई हटा के दूध ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शक्कर का पाउडर लिया है क्योंकि इसमें मैंने इलायची भी पीसी हुई होती है, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ। आप चाहें तो दाने वाली शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप पसंद करें या घर में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मैंने 2-4 काजू, थोड़ी सी किशमिश, 4-5 बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी ये ली है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। फ्रेंड्स, दूध ये कुनकुना है, फ्रिज का ठंडा नहीं है और नहीं बहुत तेज उबला हुआ, बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब इसमें चीनी का पाउडर डाल देंगे जिसमें कि इलायची भी है, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़े से मैं बचा रही हूँ, ऊपर गार्निशिंग के काम आएंगे, और केला। बहुत जल्दी बन जाता है और ये डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा शिकरण बनकर तैयार है। कितनी जल्दी बना है देखिए, हमने इसमें पीसी हुई चीनी थी तो हमारी मिक्स होने में बहुत जल्दी से मिक्स हो गई है। अगर शक्कर के दाने होंगे तो 2-3 मिनट और लग सकता है। देखिए कितना बढ़िया शिकरण बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शिकरण बनकर तैयार है और इसे बनाने में हमें 2 मिनट का भी समय नहीं लगा। आप भी इस बहुत ही टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल किरण्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।